खुदासी के बाबरकत जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। व्यूअर्स, मैं अर्शीद खुशी प्रोग्राम द बेस्ट ऑफ अवर नेशन प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हमारे उन दोस्तों को इनवाइट करता है, दावत देता है, बुलाता है जो हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुआशरे में कोई मुनफरद, कुछ यूनिक किस्म का किरदार अदा करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम परस्तार हैं, जो खुदा यीशु मसीह के हवाले से जितने भी सीजनल गीत हैं, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, तो ये सारे परस्तु के बारे से उनके गीत जो मैं भी सुनता हूँ, आप भी शायद सुनते होंगे। तो आज मैंने उनको दावत दी है ताकि आपके रूबरू उनसे कुछ चंद बातें हो जाएं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी आज की जो गुफ्तगू है ये हमारी अपनी जुबान, हमारी मदर लैंग्वेज जिसको हम पंजाबी कहते हैं, मैं चाहूँगा कि हम उसमें शुरू करें ताकि खान साहब को भी इजी रहे, मुझे भी अच्छा लगे कि हम अपनी जबान में ये बात करते हैं। तो जी खान साहब, मैं सब तो पहले तुहानू अपने इस प्रोग्राम दे बेस्ट ऑफ नेचर खुश आमदीद कहना वा, क्योंकि रवायत है साढ़े इलाके की, साढ़े लोगों की, कि असं आने वाले भी किसी भी मेहमान को अपने को जो बुलाने उन्होंने असं जी आया आखने हैं। तो थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा बहुत शुक्रिया कि तुम अज टाइम कढ़ के मेरे साढ़े इस प्रोग्राम च आए। तो खान साहब, असं गल अगे टोरते हैं, तुम बहुत अच्छे प्रस्तार हो, मैं भी सुनना वा, मैं वेखना भी हाँ। तो मैं चाहवागा कि साढ़े नाजरीन लई कि तुसी इस प्रस्तुति का या गीत गान का एक जो थोड़ा सी दौर एक कितों तुसी इहदा आगाज किया, कितों शुरू किया? मैं समझना कि मैं खुदावन खुदा का बहुत शुक्रगुजार, खुदावन ने तोड़े दिते जी कि इस तोड़े न इनू लैके किवें अगे जाना, जो खुदा का हाथ हुंदा तो फिर सारा ही ठीक हुंदा। मैं समझना कि असीं खुश नसीब हाँ कि उहदी सुना हुंदी, मालिक दी सुना हुंदी। मेरे जिन्ने भी सुनने वाले ने, मेरे तो सीनियर ने, मैं उन्होंने इजाजत ना सारी गलबात हो रही है। मैं समझना कि बच्चा छोटे तो लैके वड्डे तक जिहड़ा उहदी सुना करदा, मैं समझना वह खुश नसीब है, खुदावन की सुना कर। फिर अगे सिखण सिखाण की गल आ जाती के सीखना इन किस तरह। हाँ सर, मैं सोचा रहा हाँ कि थोड़ा जहाँ तुम अपना तजर्बा जरा अपनी जिंदगी, यानी कि तुम 10 साल तो, 12 साल तो, 15 साल तो, तुम थोड़ा जहा मैं मुक्तसर दसना मेरे नाजरे लिए कि तुम यदा कितों अपना गीत गाना या प्रस्तुत करना कितों शुरू किया, मैं थोड़ा जहाँ मुक्तसर दस्यो। असि बड़े खुश नसीब हाँ कि खुदा ना लगाओ खानदानी जी जी जबूर गीत गाए शुरू। हाँ जी जी बिलकुल। दिली तौर पर मसलन तोड़ो तोड़ी चल रही है ख्वाहिश के अच्छे लोगों ने मेल मिलाप, खुदावन ने बहुत अच्छा उस्ताद दे दिता। किसे कोई उस्ताद रखा, कोई अपने किसी उस्ताद को कुछ टाइम गुजारिया, कुछ वक्त गुजारिया, कोई यानी कि अरसा मुद्दत उन्होंने गुजारी कि तुम इस चीज लिए गुजारी कि मैं अपना उन्होंने उस्ताद मन के उन्होंने शागिर्द बह के ते मैं इस काम दे विच परस्तार होंगे या गीत गाने अपने आप कितना कामल कर सकना, कोई उस्ताद फड़िया तुसी? जी जी, मैं जिन्हें मेरे बजुर्ग सन उस्ताद सन मैं उन्होंने खिदमत करता सी और उन्होंने मैं उस्ताद ही मनता सी। उस तो बाद खुदा दे इंतजाम ने मैं उस्ताद फड़िया अपने सैमुअल इफ्तिखार, उन्होंने नाम सी सैमुअल इफ्तिखार। वह शेखपुरा से मुलाजमत करते सन, रैश उन्हों की शाहकोट से, उन्होंने बेटे तबला बजाते दौद साहब, सारी दुनिया जानती, बड़े अच्छे लोग ने, खास साहब शुभाज साहब के शिगिरद ने, असि अच्छे घराने के शिगिरद आ। तो खुश नसीब आ कि वह मतलब अच्छिया उन्होंने बंदिशा जिन्या भी उन्होंने कंपोजग असी उन्होंने गाई। मतलब कहने का मतलब है खान साहब कि अगर तुम अज तक इतने तक आए हो जी जी, तो जरूर कोई उस्ताद रखे किसी उस्तादा की, तुम एहतराम भी किया उन्होंने को सीख्या भी है। अच्छा, मैं समझना वा कि मेरे नाजरी ने, क्योंकि दो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे नौजवान होंगे जिहड़े प्रस्तार दे यानी कि गीत गान ते सुनने दे बारे नाल बड़ा उन्होंने पसंद होएगा, तो उन्होंने कुछ कहना चाहोगे कि सीखना या सिखाना एक किस हद तक कितना जरूरी है? कभी कभी असं एवं ही शुरू हो जाने प्रस्ताव जी। मैं स्टूडेंटा यही दसना चाहना
कि उस्ताद उस्ताद ही होंगे जी जी बुजुर्ग जिनी भी उन्होंने खिदमत हो सके दिल के प्यार मुहब्बत जिनी भी उन्होंने खिदमत सेवा तो उस्ताद मजबूर हो जाए कि मैं बच्चे को दसा इन्नी खुद च कशिश होनी चाहिए जी नाजरीन तुसी सुन रहे हो खान साहब दी गल्लां खुदावंद दी सुना खुद ब खुद आ जाए तुसी सुन रहे हो जेम्स खान साहब दी गल्लां के उस्ताद रखना भी जरूरी है उस्ताद दा हुक्म मनना भी जरूरी है जी जी क्योंकि कुछ पाण लई कुछ खोना पैंदा तुहाडा कहण दा मतलब है जी जी ते तुसी अगर अज एक कामलियत नाल एक प्यार दे नाल एक बल्कि बड़ी अथॉरिटी नाल अगर गा सकदे हो लोकी तुहानू खान साहब दा लकब देंदे ने ठीक है नाम तुहाडा जेम्स लेकिन एहतराम करना चाहिए उस्ताद मनना चाहिए उस्ताद के पिछे चलना चाहिए बंदा कामयाब होंगे अगर अज का की पैगाम देना चाहोगे मैं ना अज के नाजरी इस प्रोसेस के हवाले गान जान दे हाल को बहुत सारे बच्चे ने वो तबला सीखना चाहते ने बहुत सारे हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें भी ने म्यूजिक के वो सीखना चाहते ने ते तुसी उन्हां नू मुख्तलिफ किस्म की कोई छोटी सी उन्हां नू नसीहत करो उन्हां नू गाइड करो कि अगर उन्हें गाना है या उन्होंने भी जाना है तो उन्होंने सीखना कितना जरूरी है मैं समझना कि अगर बच्चा स्टूडेंट स्कूल च नहीं जाता तो उन्हें कुछ नहीं आता जी जी अगर वो अपने टीचर को जाता है तो अच्छे तरीके आता है इसी तरह ये खुदावंद की सुना है जिन्होंने उन्होंने खानदानी लगाव होंगे बच्चों भेजते ने करते हैं तो कोई भी उस्ताद नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मसलन नाकाम रहे उसकी पूरी कोशिश होती है कि अच्छे तरीके ना सीखे अच्छे तरीके ना गाए तो खुदावंद के नाम जला दे उस्ताद बारे ना मैं भी कहना जो तुम उस्ताद पढ़े हो शायद तुम भी कुछ दोस्तों बच्चों सिखाते हो तो मैं सुनया कि उस्ताद जरा ना एक सड़क की मानत होंगे क्योंकि उन्होंने शागिर्द ओके जो मन उस सड़क के उत्तों लंघ के अपनी मंजिल से पहुंच जाते जबकि उस्ताद बतौरे सड़क जरा वो अपनी ही जगह से शायद कायम रहा मैं सर जी बहुत कुछ नसीब देखो कि मैं इतने गुजरात शहर के रह रहे जी जी वो कितने शिवपुर ने लेकिन बहुत अच्छे लोग सन मेरे पीर भाई मेरे तो भी अच्छे ने मैं समझ लो कि जीरो बन ते सामने जिन्ना जो कुछ भी होंगे खुदा के नाम जला ले मैं इस काबिल नहीं अच्छा खान साहब तुसी तुहाडा तल्लक गोजरे नाल है कि जगह तो जरा नाजन दा तो क्योंकि तुहानू वेख्या बहुत लोगों ने होगा मैं तो पंजाब लौरिया च रहने वाला हाँ जी गोजरे के नाल बिल्कुल मेरा पिंड है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ये केड़े रोड से या मोचीवाल रोड से गोजरा मोड़ रोड गोजरा मोड़ मोची वाले रोड नाजरी खान साहब अपना पहले तारफ करा रहे कि मतलब कि मेरा तल गोजरे नाल है जी जी जिहड़ा कि मोचीवाल रोड ते आ ते इसलिए मैं पुछिया है तारफ पुछिया ता कि ना कुछ लोग शख्सियत नू वेखदे ने सूरत वेखदे ने लेकिन उन्हां नू ना वो थोड़े बैकग्राउंड दा नहीं पता होंदा भी बंदा इह शख्सियत कित्थों दी ठीक हो गया मैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन दा बहुत शुक्रगुजार जिन्नी भी उन्हां दी टीम डॉक्टर साहब ने साढ़े साल ने मैं उन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिहड़े सानू इनवाइट करदे ने बुलाते ने बड़ा ही प्यार करते जी डॉक्टर साहब मैं जुमे ते जुमे उन्होंने एक टाइम बनाया जी खान साहब बहुत शुक्रिया अच्छा मैं तुहानू मैं सवाल पूछना चाहना कि तुसी अजकल मैं फ्राइडे मीटिंग होंगी इतने जी जी ते उहदे विच तुसी मेरा ख्याल क्लास भी ये लै रहे हो प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हवाले ना कि तुसी सिखन सिखाने का कुछ उहदे बारे ना मैनू थोड़ा जिहा ना मेरे नाज़रीन लई ब्रीफ करो कि दसो किवें तुसी की करन रहे हो जी बिल्कुल जुमे ते आई दा जुमे की इबादत भी अटेंड कराई दी बच्चों पूरे मतलब टाइम दे दा 2 बजे तो लग के 3 साढ़े 3 4 भी बज जाते तो मालिक का शुक्र है कि उन्होंने अच्छे तरीके लै सुर के नाल सिखाई दा ये मालिक की बड़ी कृपा बड़ी वो करम नवासी उस्तादा दुआवां ने साढ़े
मैं फिर रिशाव जिस टेलीविजन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जिन्हें भी टीम के आदमी ने उन्होंने शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब इस क्लास जी बकायदा क्लास ले रहे हो, इस बच्चों को नवे दाखिल कर दो, अगर तुहाडे कोई बच्चा आंदा है कोई स्टूडेंट आंदा है इतने मेरे नाजरीन के हवाले ना तुम उन्होंने दस सकते हो कि अगर कोई तुहाडे को मौका है तो उन्होंने इतने आ सकते हैं। मैं समझना कि जी साड़ी खुश नसीबी है खुदावन की स्नातक सीखण जुमे दे जुमे साड़ी मतलब क्लास होंगी आन सीखण तपला भी सिखाया जाता है हारमोनियम भी सिखाया जाता है असी ताबिया दार ना जी। नाजरीन बहुत शुक्रिया तुम वेख रहे हो खान साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी। अज तो जी मेरी टॉप सी ए जेम्स खान साहब जो बहुत ही अच्छे पुरस्कार ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी से भी सुनते हो गए होर भी किसी चैनल से या वैसे फिजिकली भी जो गोदरेज प्रोग्राम या इस तो बाहर होंगे उन्होंने उत्थे भी देखते हो गए तो इन्हों एक गुरुकारा गाण मसीही गीत गाने वाले एक अच्छा ना है तो मैं शुक्रगुजार हाँ तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी तो बड़ी मेहरबानी कि तुम अज का टाइम अज के प्रोग्राम द बेस्ट ऑफ आवर नेशन दिता ते असी ताके प्रोग्राम चले और तुहाडी इस अकैडमी अकैडमी शायद तुसी इहनू कहिंदे हो जी जी कि जिहड़ी तुसी म्यूजिकल अकैडमी इत्थे प्रिंस ऑफ पीस टीवी दे साइड थले बनाई है वह भी चल रही है तो मैं लोगों नू दोस्तों यह भी दावा दांगा जिहड़े करीबो जवाहर च लोग रहिंदे ने वह आन वह जरूर अपने दोस्तों बच्चों भेजन ताकि वह मसीही तालीम हारमोनीयम तबला और बहुत सारे जो दूसरे ने गाण जाने वाले औजार ने या म्यूजिकल चीजा ने उन्होंने सीख सकन ते बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जी गॉड ब्लेस यू।